हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं रिमिक्स ओएस के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, रिमिक्स ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके पीसी पे इंस्टॉल होता है और एंड्रॉयड चलाता है। मतलब आप एंड्रॉयड ऐप्स यूज़ कर सकते हैं पीसी पे। जैसे कि आपको पता होगा कि ब्लू स्टैक्स और यूवेव एक एमुलेटर हैं जो कि विंडोज़ पे डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाते हैं, बट उनकी फंक्शनिंग, उनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत लैगी होते हैं और जो परफॉर्मेंस और जो आउटपुट आता है वो इतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो उसके लिए रिमिक्स ओएस है जिसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी पुराने या नए पीसी पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वो लाल बटन को दबा दें और सब्सक्राइब कर लें। तो रिमिक्स ओएस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको दो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक होगी जिप फाइल और एक होगी आपकी यूएसबी टूल की फाइल। तो जो जिप फाइल होगी उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं विन आर ए आर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक पेन ड्राइव चाहिए जिसमें कम से कम 8 GB का स्टोरेज हो, और प्रेफर्ड पेन ड्राइव जो होती है वो 3.0 पेन ड्राइव। बट अगर आपकी 2.0 पेन ड्राइव भी है तो और स्पीड अच्छी हो उसकी, तो आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं भी 32 GB की पेन ड्राइव पर इंस्टॉल कर रहा हूँ जिसकी जो भी 2.0 पे ही है, बट उसकी स्पीड अच्छी है तो उस पर मैं ट्राई करूँगा। और पेन ड्राइव की बस परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप 3.0 पेन ड्राइव खरीद सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा माई कंप्यूटर पर और पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा क्विक फॉर्मेट में। क्विक फॉर्मेट पर क्लिक करिए और जो फाइल सिस्टम है उसको FAT32 पे सेट कर दिए, बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने दिए। और उसके बाद उसको फॉर्मेट करके पेन ड्राइव एक बार निकाल के फिर दोबारा लगा दिए। जब फॉर्मेट हो जाए उसके बाद रिमिक्स ओएस का यूएसबी टूल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए। उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है उसमें आप ब्राउज बटन पर क्लिक करिए और वहाँ से आप सेलेक्ट अपनी ISO फाइल को सेलेक्ट कर लिए, फिर ओके पे क्लिक कीजिए और वो आपका रिमिक्स ओएस इंस्टॉल हो जाएगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास अगर पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी है तो आप सेम प्रोसीजर यूज़ करके अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, ये हार्ड डिस्क कहीं भी ले जाके किसी भी सिस्टम में लगा के आप अपना रिमिक्स ओएस बूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपना सिस्टम को शट डाउन करिए और उसके बाद आपको बूट मेन्यू ढूंढना पड़ेगा जो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कैसे मिलेगा। तो मेरे केस में मैं HP का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें F9 है। तो जब मैं F9 प्रेस करता हूँ तो इसमें आपको बूट डिवाइस एज अ USB सेलेक्ट करना है। यहाँ आपका कीबोर्ड ही वर्क करेगा, माउस नहीं वर्क करेगा। उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं आपको दो मोड दिखाई दे रहे हैं, एक है गेस्ट मोड और दूसरा है रेसिडेंट मोड। तो गेस्ट मोड वो है जिसमें आपका ऐप्स और डेटा सेव नहीं होता है, और रेसिडेंट मोड वो है जिसमें आपका ऐप्स और डेटा सेव होता है। तो मैं गेस्ट मोड यूज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी लोड होता है और मुझे तो सिर्फ एक आपको डेमो दिखाना है इसलिए। तो जब आपका ये लोड हो गया है तो अब आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको यूज़र एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है, फिर स्टार्ट पर क्लिक करना है और ये आपका रिमिक्स ओएस इंस्टॉल हो गया और स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको ड्राइवर्स भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है और ये काफ़ी फास्ट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रिमिक्स ओएस पे और वीडियो या इसका रिव्यू देखने के लिए कमेंट करें, तो मैं उस पर रिव्यू बना दूंगा। That's all for this. Thank you.